नमस्कार, मैं हूं सपना सरकार। लेकर आई हूं आपके लिए अपराधों की खबरों का हाल। दिल्ली में देर रात फिल्म देखकर वापस लौट रही लड़की के साथ दुर्व्यवहार, आइए देखते हैं इस वारदात का पूरा ब्यौरा। मैं तो कहती हूँ इतनी रात गए फिल्म देखने जाना ही नहीं चाहिए। हाँ भाभी, सारी गलतियाँ तो लड़कियों की होती है, और वो लड़की तो बिल्कुल शरीफ है जिन्होंने लड़कियों के साथ गलत किया, है ना? मेघा, आजकल तुम बहुत जुबान चलाने लगी हो ना, मेरा मुंह खुलता नहीं और आ जाती हो कैंची लेकर। भाभी मेघा, आज के दिन तो मत लड़ो यार, तंग आ गया हूँ आप दोनों की झिक झिक से, सच कह रहा हूँ मैं। अच्छा जी, देवर जी अगर इतने ही तंग आ गए है ना, तो एक काम कीजिए, शादी कर लीजिए। अब देवरानी आकर हम दोनों के झगड़े मिटाएगी। और हाँ, मैंने तो एक लड़की भी देख रखी है। मेरे मामा की लड़की माधुरी, मैं अभी फोटो लेकर आती हूँ। पुष्पा बैठ जाओ, रहने दो। ठीक है, लेकिन दो दिन के बाद मैं मामा मामी को घर बुला रही हूँ। हाँ बाबा ठीक है, बुला लेना। हाँ तो मेरी प्यारी बहना, अब आप दोनों की ये नोक जोक अगर खत्म हो गई हो तो यहाँ आओ और हम दोनों भाइयों को राखी बांधो। हाँ क्या होता है? मुझे गिफ्ट चाहिए। नेक्स्ट टाइम, ठीक है? ऐसे नहीं होता भैया। नेक्स्ट टाइम? अरे पापा मजाक कर रहा है वो। वो भाई क्या जो अपनी बहन को रक्षाबंधन के दिन गिफ्ट ना दे? ये रही आपकी गिफ्ट। वाओ, कितना प्यारा ये। कैसा लगा? बहुत प्यारा है। नेक थोड़ा डीप है ना? कोई बात नहीं, ठीक करवा लेंगे। मेरा गिफ्ट तो मोबाइल फोन। थैंक यू। फोन हमारे पास तो नहीं है। फोन ये क्या करेगी फोन का? भाभी इसका कॉलेज शुरू हो गया है, अब आप सोचो हम इसको कभी भी कॉल कर सकते हैं। और भाभी को तो हर चीज से प्रॉब्लम होती है। यहीं पर है दुकान, वो वाली है। मुझे आज ही सूट अपना फिटिंग के लिए टेलर को देना था, ये चक्कर में रोज ऑफिस में लेट हो जाता हूँ मैं। मैं बस यूं गई और यूं आई, अब यहीं रुकेगा प्लीज। चल ठीक है, जल्दी आ। पारस यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कल से फोन कर रही हूँ, पर तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? पारस देखो, पारस मैं ना तुमसे अब भी प्यार करती हूँ, ये देखो, ये देखो मेरी सच्ची मोहब्बत का सबूत। तुम पागल हो गई हो क्या? ये सब तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम्हारी बहन ने बोला कि मेरा अफेयर मेरे बॉस के साथ है और तुमने मान लिया। पारस पागल हो गई हो, पब्लिक देख रही है, ये तमाशा मत बनाओ, जाओ यहाँ से। देखो पारस, अगर अगर तुमने नहीं माना ना तो शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तो सब कुछ जानते हुए भैया की पीठ पीछे तुमने अफेयर चलाया, तो पूरे बाजार में तुम तमाशा कर। चलो भैया।
तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को शिवमंगल सिंह सुमन की कविता पढ़कर सुनाऊंगा। आप लोग इसे गौर से सुनिए। पथ भूल ना जाना पथिक कहीं, दुर्वादल सरिता सर होंगे, सुंदर गिरी वन वापी होंगे, सुंदरता की मृग तृष्णा। फोन कितना अच्छा है। ही का मन उन्मुख होगा, जब सपने सब मिट जाएंगे, कर्तव्य मार्ग सम्मुख होगा, तब अपनी प्रथम विफलता में पथ भूल न जाना पथिक कहीं, अपने भी विमुख पराये बन आंखों के आगे आएंगे। वाओ, ये तो बहुत ही स्मार्ट है। घोर निराशा के काले बादल छाएंगे, तब अपने एकाकीपन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं, रणभेरी सुन कर विदा विदा जब सैनिक पुलक हो रहे होंगे, हाथों में कुमकुम थाल लिए कुछ चल करण डुलक रहे होंगे, अपने लक्ष्य को ध्यान देते हुए सच्चाई के पथ पे आप लोग आगे बढ़ते रहिएगा। तो अरे रे 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 रे, हम तो माफी मांगने आए थे, डर क्यों रही हो? गुड्डू माफी मांगो। सॉरी बहन जी। अरे तुम तो हो, मुझे नहीं पहचाना। अरे मैं विक्की, पहली कक्षा से चौथी कक्षा तक तुम्हारे साथ पढ़ता था, क्लासमेट। ऑनलाइन फोटो डालना मतलब रायता फैलाना। अब देखो ये रायता कितनी जल्दी फैलता है और कितनी दूर तक फैलता है। साइबर क्राइम यानी ऐसे अपराध जिनमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति की निजी जानकारी चुराई जाती है ताकि उसे नुकसान पहुंचाया जा सके। हाल ही में हुई कुछ घटनाओं ने सोशल साइट्स पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आजकल लोग अक्सर सोशल साइट्स पर अपनी तस्वीरों के साथ साथ अपनी बाकी जानकारी भी सार्वजनिक कर देते हैं, जैसे कि उनकी दिनचर्या क्या है, वो कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ। नतीजा, अपराधियों के लिए उन पर निगाह रखना बेहद आसान हो जाता है। आपने बाजार में, गली के नुक्कड़ पर सड़क छाप आशिकों को अक्सर मंडराते हुए देखा होगा। आजकल ऐसे सनकी लोगों ने इंटरनेट को अपना अड्डा बना लिया है। सोशल नेटवर्किंग साइट से मेघा की तस्वीर डाउनलोड करके किसी ने उसे धमकी भरा मैसेज भेजा। कौन है यह शख्स और क्या चाहता है वो मेघा से? कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है ना दोनों की। मुझे तो आज भी याद है कैसे हमारी शादी में हाथों में हाथ डाल के डांस किया था ना दोनों ने। और मामा जी जो आपके ठाके हैं वो हम आज तक भूले नहीं है। कहाँ थी अब तक? अरे कॉलेज खत्म हुए तो 2 घंटे हो गए ना भैया। मैं वो कुछ मेघा, हालत क्या बना रखी है? घर में मेहमान आया ना, चल चल के तैयार हो जा भाभी। लेकिन मुझे भैया से कुछ... हाँ ठीक है, कर लेना भाभी। मेरी बात तो सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। भाभी मेरी बात सुनिए। मेघा देख, तू अपनी जुबान ज्यादा लपड़ लपड़ मत चला, पारस के लिए इससे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा और सुन, कुछ गड़बड़ मत करना, समझी? जल्दी आ। लेकिन भाभी मेरी बात तो सुनिए। मेघा
मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे पता तो क्या कहना चाह रही है, ये सब अचानक। अरे मुझे माधुरी से शादी नहीं करनी है, करूँ तो क्या करूँ, भाभी के भाभी की बेटी है, समझ में नहीं आ रहा कैसे मना करूँ। अरे पारस कहाँ रह गए? मेरी बहन तू ही मुझे बचा सकती है, प्लीज मेरी बात तो सुनिए, प्लीज बचा लेना इस बार। मैं कैसे बचाऊं भैया, मैं तो खुद एक मुसीबत में फंस गई हूँ। पारस को अभी हाल ही प्रमोशन मिला है अपनी नौकरी में, और मेघा की पढ़ाई भी बहुत जोरों शोरों से चल रही है, काफी काफी तेज है पढ़ाई में। तू समझ रही है ना क्या बता रही हूँ, पता है ना सब, अब बाकी की बात बहन सब तेरे हाथ में। अरे मेरी प्यारी बहना, क्यों अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो, वैसे भी जब उसे अकेले मिलने जाऊंगी ना तो ना पारस को अपना लिया तो लानत है मेरी दिल्ली की पढ़ाई पे। पारस आपको याद है दीदी की शादी में हम कैसे नाचे थे, हाथों में हाथ डाल के? पारस आप इतना घबरा क्यों रहे हो? पारस हम दोनों के बीच में ये दूरियां कब से आई, हम तो आज भी तुम्हारी यादों में खो रहे थे। चले भैया काफी देर हो गई है। हाँ चलो मान। क्या हुआ? बात नहीं बनी। कोई बात नहीं। अरे बस ठीक है, जीते रहो। जीते रहो। क्या लगता है सेटिंग चेंज कर दोगे तो मैं पिक्चर्स नहीं देख पाऊंगा? मेरे पास तुम्हारी ऐसी फोटो है, तुम किसी को, तुमने ऐसी कोई फोटो तो नहीं ली थी ना अपने मोबाइल से? नहीं तो फिर डरने की कोई बात है ही नहीं। लेकिन ये फोटो देख कौन सकता है, मैंने तो पहले ही अपने फोटोज को फ्रेंड्स ओनली कर रखा था। मैं पूरे कॉलेज में ये फोटो फैला दूंगा, अगर चाहती हो मैं ऐसा ना करूं तो मुझे अपनी बॉडी का एक शो दो। लॉक में डाल दो इस नंबर को। तुम इसकी बातों में मत आना, ये सिर्फ तरकीबें होती हैं फंसाने की। अभी मुझे नहीं करनी उसके साथ शादी। पारस इतनी अच्छी लड़की है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? भाभी मैं कितनी बार कह चुका हूँ मुझे वो लड़की। आज कुछ भी हो जाए मैं भैया से बात करके रहूंगी। पारस मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही, तुम माधुरी से शादी कर रहे हो ना? भाभी मैं भी आपको आखिरी बार कह रहा हूँ कि मुझे उससे शादी नहीं करनी। तो कोशिश क्यों नहीं कर रही? अरे भाभी ये शादी के बाद छोड़ो पागल हो जाऊंगा। क्या हो क्या रहा है तुम दोनों के बीच में? कब से तुम दोनों की मैं बहसबाजी सुन रहा हूँ?
समझाती क्यों नहीं इसको? पुष्पा बस करो। भैया तो खुद इतनी परेशानी में लग रहे हैं, कैसे बताऊं मैं इनको? चलो नहीं करनी शादी। प्रोफाइल चेक करके देख, शायद उससे कुछ हिंट मिल जाए। वो मैं बाथरूम में थी। अच्छा वो सब छोड़, मुझे तेरी हेल्प की बहुत जरूरत है। भाभी मेरी शादी माधुरी से करना चाहती है, उसके लिए मेरी उनसे बहस भी हो गई। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, प्लीज मेरी हेल्प करना। हाँ हाँ भैया सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। पता भैया हमारी टीचर कहती है पद पे तो कांटे मिलेंगे, हमें उनका सामना करना पड़ेगा। मेघा पुलिस की मदद भी ले सकती थी, क्योंकि ऐसे केसेस में साइबर क्राइम सेल के लिए इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के जरिए अपराधी को पकड़ना मुश्किल नहीं होता। बहरहाल इस वक्त सवाल यह है कि आखिर ये ब्लैकमेलर है कौन और किस बात का बदला लेना चाहता है वो मेघा से। इन तमाम उलझनों में घिरी मेघा अब अगला कदम क्या उठाएगी? किसी को बताया तो नहीं ना? अच्छा किया, क्योंकि सारा दोष उल्टा तुझ पर ही आता। कितने घटिया लोग होते हैं ये, पता नहीं कौन होते हैं ये लोग। मेघा मैं चाहता हूं कि तुम पूरे क्लास को ये कविता पढ़कर आगे की सुनाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं। जी सर। पत भूल ना जाना पथिक कहीं, पथ में काटे तो होंगे ही, दुर्वा दल सरिता सर होंगे, सुंदर गिरी वन वापी होंगे, सुंदर ताकि मृग तृष्णा में, पथ भूल ना जाना पथिक कहीं, जब कठिन कर्म पक डंडी, एक काम कीजिए आप ये आपकी अर्जुन दे दीजिए और दे देख वही है ना मोबाइल वाली। भैया क्या बात है, बहुत दिन से देख रहा हूँ तू खुश नहीं, क्या बात बता मुझे। भैया मैं आपको बताना चाहती हूँ, पता है आपको मेरे साथ तो बहुत कुछ हो रहा है। बेटा अबे तो वही लड़की है ना? अरे हाँ यार वही लड़की है। रोको! भैया
मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि मुझे कॉल मत करो, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? पारस मेरी बात सुनो, ये मेरे बारे में नहीं है, ये मेघा के बारे में। अपने मैसेजेस चेक करो। कॉलेज गई है, अब तक आई नहीं है। और वैसे भी मुझे कहाँ कुछ बताकर जाती। मेघा तिवारी को देखा है? सर मेघा तिवारी को देखा। एक्सक्यूज मी, वो मेघा तिवारी को देखा है? नहीं थी। अरे नमस्ते सर। नमस्ते सर। मेघा को देखा? वो तो काफी देर पहले कॉलेज से निकल गई, परेशान दिख रही है बहुत दिनों से। घर में सब ठीक है ना? हाँ सर। सर मैं चलता हूँ। हेलो पारस। हाँ पुष्पा का भी फोन आया था कि मेघा घर नहीं पहुंची अभी तक। क्या 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 बात क्या है? ये जल्दी से जल्दी पुलिस थाने पहुंची, आपको कुछ बताना है। हाँ हाँ तो तू वहीं रह, मैं आ रहा हूँ। लो मुझसे तो सुसाइड भी नहीं हुआ। कभी कभी तो लगता है कि भगवान भी मेरा फैन। इतना सब कुछ हो गया, आप लोग ने हमें कंप्लेंट करना भी जरूरी नहीं समझा। हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता इंस्पेक्टर साहिबा, शायद उसे डर के मारे हमें कुछ नहीं बताया। मैडम मेघा नाम लड़की की इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो जिला हॉस्पिटल में है। आप लोग चलिए हॉस्पिटल। गाड़ी निकालो। डॉक्टर मेघा कैसी है? देखिए पेशेंट के साथ जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। इंटरनल इंजरीज के कारण हम उसे थोड़े दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। एक्सक्यूज मी। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं इस बात का पता लगाने की कि ये सब किसका किया था। मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मैं अपनी परेशानियों में इतना उलझा रहा, तेरी कोई मदद नहीं कर पाया। मेघा बाय। मैं रखकर आती हूँ। बेटा किसी भी बात की कोई फिक्र मत करना, हम सब तेरे साथ हैं, तेरा बड़ा भाई तेरे साथ है। तुझे पता है सब किसने किया? परेशान मत हो, तेरा भाई सब पता लगाएगा। भैया मुझे नोटबुक दे दो। क्यों? एग्जाम्स की तैयारी करनी है।
कौन है तू? सब कुछ तूने किया ना? तूने सोशल मीडिया पे प्रोफाइल्स बनाई ना? तूने मेघा की गंदी तस्वीरें फैलाई? हट! क्या सबूत है तेरे पास? सब कुछ मैंने किया है, सब कुछ तेरा आईपी एड्रेस से हुआ है। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर का कंप्यूटर चेक करिए, सारे प्रूफ आपको वहीं पे मिलेंगे। लेके चल अपने कंप्यूटर के पास। चलिए और आप चेक कर लीजिए। देखिए मैडम, इसी आईपी एड्रेस से सब कुछ हुआ है। इन्हीं सभी प्रोफाइल से मेघा के बारे में इन सबको पता चला। जितने भी लोग इस केस में शामिल हैं, जल्द से जल्द हम उन्हें पकड़ लेंगे। इंस्पेक्टर साहब, ये तो मेरा फर्ज था पारस, जाके ये खुशखबरी मेघा को सुनाओ। भाभी, मेघा, मेघा, ऐसा लग रहा है कि मैं डूब रही हूँ। क्यों औरत के शरीर को टारगेट बनाया जाता है? क्या औरत बस एक चीज है जिस पर हर कोई बातें बनाए या माँ खोल करे? विक्की को साइबर क्राइम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी इस घिनौनी हरकत ने एक मासूम लड़की की जान ले ली। कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिनमें हम बच तो जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इतना टूट जाते हैं कि आगे जिंदगी की कोई उम्मीद ही नजर नहीं आती। इस हादसे का कुछ ऐसा ही असर मेघा पर भी हुआ और दुर्भाग्यवश उसने आत्महत्या का रास्ता चुना। अगर आप मेघा की जगह होते तो क्या करते? अपनी परेशानी घर वालों को बताते या फिर ब्लैकमेलर की बात मान लेते? ऐसे मामलों में अक्सर लोग ब्लैकमेलर्स के आगे घुटने टेक देते। उन्हें यह डर होता है कि समाज और परिवार उन्हें ही गलत ठहराएगा। लेकिन जरूरत है कि ऐसे में आप खुलकर अपने घर वालों से बात करें, और घर वालों का फर्ज बनता है कि वो इस लड़ाई में अपने बच्चों और परिवार के सदस्यों का पूरी तरह साथ दें। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में हर 10 मिनटों में एक साइबर क्राइम होता है। आप सबसे विनती है कि अगर आपके आसपास किसी के साथ भी ऐसी घटना घट रही है तो बात पढ़ने से पहले पुलिस को इसकी सूचना दें, साइबर क्राइम सेल को रिपोर्ट करें। साथ ही हम सबकी ये जिम्मेदारी भी है कि पीड़ितों को ताने देने के बजाय उन्हें ये हौसला दें कि इस लड़ाई में वो अकेले नहीं है, हम उनके साथ हैं, ताकि फिर किसी मेघा को आत्महत्या का रास्ता न चुनना पड़े। सावधान इंडिया। तो सावधान।